और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से मलिष्का इस समय अपनी मॉम किरण के साथ में मिलकर जो कि एक बहुत बड़ा प्लान बना रही है ऋषि की शादी को लेकर। जी हाँ, क्योंकि अब फाइनली मलिष्का की मॉम जो किरण है वो मिलने जा रही हैं नीलम से, और नीलम से सीधा सीधा ऋषि और मलिष्का की शादी की बात करने जा रहे हैं। वहीं बात की जाए ऋषि की, तो ऋषि ने ये डिसाइड तो कर ही लिया है कि वो इस समय जो शादी करने जा रहा है वो किसी और से नहीं बल्कि सीधा सीधा लक्ष्मी से ही करेगा। जी हाँ, क्योंकि वो मलिष्का के साथ में सात फेरे लेने से साफ साफ इनकार करता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि बात की जाए इस समय मलिष्का की, तो मलिष्का ने चाहे कितने ख्वाब देख लिए क्यों ना हो, लेकिन वो शादी नहीं करने वाले। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि को पूरी तरीका से स्वच्छ तरीका से पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कहानी में वाकई में चार चांद नए टूट लगते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बात की जाए तो आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से मीत हुड्डा सॉरी इस समय लक्ष्मी इस चीज को बोलती हुई नजर आने वाली है ऋषि से कि ऋषि अगर तुम्हारी खुशी जो कि मलिष्का के साथ में है तो तुम मलिष्का से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मलिष्का के साथ में तुम खुश ही नहीं हो तो तुम मलिष्का के साथ में शादी मत करना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ में तुम खुश रह सको उससे ही आप शादी करना। और ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लक्ष्मी, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले कहानी में आप लोगों के बीच में और भी घना दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू के अपने सपोर्ट।